को जन्म लेना है, बच्चे को जन्म लेना चाहता करना है अपना बंदा, तो आने वाले उम्र में नबी बनेगा। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हजरत मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास। तो तबीयत यहाँ पर ही गुफ्तगु है कि हजरत जिब्रील ने जब कहा कि हजरत मरियम परेशान हो और कहा कि मेरे बदन से कैसे बच्चा पैदा होगा जबकि मैंने नफ्सी से नंगा हाथी रख दिया और माजल्ला में कोई बदकार औरत भी नहीं होना। तो हजरत जिब्रील ने कहा कि ये मिसाल तो है वो हजरत आदम जैसी है, जैसे कि अल्लाह ने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया है, इसी तरह मसीहा आपके बदन से बेटे को जन्म लेकर बगैर बाप के। और बस ये भला फरमाएगा कौन फाया तो वो हो जाएगा। बस फिर एक वक्त आया कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया, हजरत मरियम को मुकद्दस मस्जिद हराम से बाहर जाने का हुक्म दिया गया। तो वो बाहर चली गई, अल्लाह का हुक्म था या तजुर्ब करना था, वहां तशरीफ फरमा हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया हजरत मरियम के बदन से। हजरत ईसा इस दुनिया में तशरीफ ले आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नबी बनाया, आमिन रसूल अल्लाह। अच्छा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के गोद में आ गए तो हजरत मरियम बड़ी परेशान हुई। आप मेरे मुआशरे वाले क्या कहेंगे कि ये मरियम बगैर निकाह के इसका बेटे को जन्म दिया, अब मैं उनका कैसे सामना कर पाऊँ? परेशान हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त नाज़िल किया, आप जो है नबिया है, रसूल और नबी नहीं हुए। हजरत मरियम जो है वो रसूल और नबी नहीं है, नबी नहीं है, ज़हन में रखना। आप अल्लाह की वसीता बंदी हैं, महबूब बंदों में से हैं आप, लेकिन नबी और रसूल नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मरियम परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम इस बच्चे को अपनी गोद में लो और अपने मुआशरे वाले हुजूर के सामने चली जाओ, और जब तुम्हें वो बातें करें तो तुम उनको कहना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, चुप का खामोशी का, इस बच्चे से ही पूछना कि ये कौन है। तो हजरत मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया और अपने मातम में चली गया। जब लोगों ने कहा कि ये क्या है, तो देखा तो बच्चा था, लोग जो है वो बातें करने लग गए कि अभी तो निकाल में हुआ, ये बच्चा कहाँ से लेके आए। पूरे मोहल्ले के लोग सब जमा हो गए और वो पूछने लग गए। आपने इशारा दिया कि इस बच्चे से पूछो। इन्होंने कहा कि ये बच्चा कैसे कलाम करेगा, हम तो 3 दिन का है, कितने दिन, 3 दिन का है, ये कैसे कलाम करेगा। बहरहाल जब इशारा किया गया वो हजरत ईसा के पास चक्कर को या सुभान अल्लाह कहने लगे। आपने हजरत ईसा फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, क्या बात, मैं क्या हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जब बोले ना आप लोगों की टोलियाँ बन गई, 3 गिरोह, कितने गिरोह बने, 3 गिरोह। एक गिरोह ने कहा कि ये माजदा ही अल्लाह है, अल्लाह ये क्या है, ये क्या है, ये अल्लाह है, अल्लाह है, जो कि अल्लाह हजरत मरियम की सूरत से बदन से जो है जाहिर हो गया। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह है, 3 दिन का बच्चा बदन कैसे बोल सकता है, तो ये जो बोलने वाला है ये क्या है, अल्लाह एक को ये इन्होंने ये दावा किया। दूसरा की रोज पे था, उन्होंने कहा कि नहीं ये अल्लाह का बेटा है, ये अल्लाह का बेटा है, बेटा जो अल्लाह ने हजरत मरियम के बदन से जो है पैदा कर दिया है। माजल्लाह सुभान अल्लाह, और भी बड़ी बातें की उन्होंने, कि ये अल्लाह का बेटा है। तीसरा गिरोह था मुसलमान का, उन्होंने कहा नहीं हम इस बात पे ईमान रखते हैं और अपने अल्लाह, उन्होंने कहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये अल्लाह
और वो चले गए। उस वक्त के जो ईसाई थे